हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज सिटी। माय नेम इज़ अनिकेत और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चेस्ट एक्सरसाइज के बारे में। तो गाइस, चेस्ट हमारी बॉडी का वह भाग है जो किसी भी व्यक्ति की नज़र में सबसे पहले आता है। एक चौड़ी छाती सभी को पसंद आती है और यह भाग हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा आकर्षित बनाता है। और अगर हमारी चेस्ट ज़्यादा अच्छी होगी तो ये हमारे पर्सनैलिटी को भी ज़्यादा अच्छी बना देगी। और जब आप खुद को मिरर में देखोगे तो आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए गाइस, बिना किसी देर किए हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको चेस्ट की टॉप 5 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो कि आप घर पे बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। वैसे तो चेस्ट की कई सारी एक्सरसाइज होती है, पर जो एक्सरसाइज मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो आप अपने घर पर ही काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो गाइस, आप सभी लोगों को पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना पीरियड में हमें अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जिम बंद होने के कारण कई लोग वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आज की मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि लोग अपने घर पर ही चेस्ट की वर्कआउट कर सकें और मैं एक एक करके बाकी सारे बॉडी पार्ट्स पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है डायमंड पुशअप्स। डायमंड पुशअप्स भी नॉर्मल पुशअप्स की तरह ही होती है, पर इसमें आपको पुशअप्स लगाते समय अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर डायमंड की शेप में रखना होता है, इसीलिए इसको डायमंड पुशअप्स कहते हैं। यह एक्सरसाइज आपके चेस्ट के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। यह आपकी आउटर चेस्ट को शेप देती है। तो गाइस, हमारी अगली पुशअप्स है इंक्लाइन पुशअप्स। इंक्लाइन पुशअप्स भी पुशअप्स का ही एक पार्ट है, बट इसमें हमें करना क्या होता है, इसमें हमें किसी 3 फीट ऊंची चीज पर अपने दोनों हाथों को रखकर पुशअप्स करने होते हैं। यह एक्सरसाइज हमारे लोअर चेस्ट के लिए काफ़ी लाभदायक है। इस एक्सरसाइज को करने से हमारे चेस्ट की गोलाई उभरती है और हमारे चेस्ट को एक बहुत सुंदर लुक मिलता है। डिक्लाइन पुशअप्स भी इंक्लाइन पुशअप्स की तरह ही होती है, बट इसमें इसका उल्टा करना होता है। इसमें हमें अपने पैरों को 3 फीट की ऊंचाई पर रखकर पुशअप्स करना होता है। यह एक्सरसाइज हमारे अपर चेस्ट पे काम करती है और इस एक्सरसाइज से हमारी अपर चेस्ट का साइज बढ़ता है और साथ ही में यह एक्सरसाइज हमारे आर्म्स पर भी जोर डालती है, जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो गाइस, हमारी अगली एक्सरसाइज है बेंच प्रेस विद डंबल। इस एक्सरसाइज के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें एक बेंच और 2 डंबल की ज़रूरत होगी। तो गाइस, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ये एक्सरसाइज हमें करनी कैसे है। इसमें सबसे पहले हमें एक बेंच पे पेट के बल लेट जाना है और फिर हमें 4-4 kg के 2 डंबल लेने हैं। ध्यान रहे, डंबल दोनों बराबर होने चाहिए। फिर अपनी सांसें छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और सांसें लेते हुए अपने दोनों हाथों को वापस नीचे ले आएं। और साथ ही आप इस बात का ध्यान दें कि आपकी दोनों कोहनियां बाहर की तरफ हो। इस एक्सरसाइज के आप कम से कम 3 से 4 सेट लगाएं और हर सेट्स में 15, 12 या 9 रैप्स होने चाहिए। यह एक्सरसाइज आपके इनर चेस्ट को मजबूत करती है और आपकी चेस्ट का साइज बढ़ाती है। तो गाइस, हमारी जो लास्ट वर्कआउट है वो है वाइड ग्रिप पुशअप्स या फिर नॉर्मल पुशअप्स। नॉर्मल पुशअप्स के बारे में तो आप सभी को पता होगा, पर अगर हम बात करें वाइड ग्रिप पुशअप्स की तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसमें हमें अपने दोनों हाथ की पोजिशन को 1 फिट बाहर की ओर रख कर पुशअप्स करने होते हैं। यह एक्सरसाइज आपकी चेस्ट को काफ़ी मजबूत बनाती है और उसे उभारने में मदद करती है। साथ ही यह एक्सरसाइज आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और कंधों के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। आप नॉर्मल पुशअप्स या फिर वाइड ग्रिप पुशअप्स में से कोई सी भी पुशअप्स कर सकते हैं। ये दोनों एक्सरसाइजें आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो गाइस, आज मैंने आपको चेस्ट की 5 एक्सरसाइज बताई हैं जो कि आपके पूरे चेस्ट को अच्छे से ट्रेन कर देगी, और ये सारी एक्सरसाइजेज आप अपने घर पर काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरीज हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएं, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
आई होप गाइज आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अब आपको चेस्ट से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं होगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो।